दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जो है इन दोनों मॉड्यूल के कंपैरिजन बताऊंगा, ठीक है, कौन सा मॉड्यूल बेस्ट है और कौन से सिनेरियो में कौन सा मॉड्यूल लेना चाहिए। ओके, तो दोनों ही बक कन्वर्टर मॉड्यूल हैं और दोनों का वर्क जो है बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है। ऑलमोस्ट जो सेम प्रिंसिपल पर ये काम कर रहे हैं। दोनों का जो है काम वोल्टेज को डाउन करना है, ज़्यादा वोल्टेज को कम करना है, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हो। तो दोनों में ही आपको वोल्टेज का ऑप्शन मिल जाएगा और अम्पेयर कंट्रोल करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ओके फ्रेंड, सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों में ये आ जाता है कि एक जो है 20 अम्पेयर का है और एक 10 अम्पेयर का है, ठीक है। तो अगर आपका जो है मेन मकसद जो है बैटरी चार्जर बनाने का है, तो आप जो है ये 10 अम्पेयर वाला मॉड्यूल की तरफ जा सकते हो। और ये जो है बैटरी चार्जर के मामले में काफ़ी अच्छा मॉड्यूल है, 10 अम्पेयर तक के जो है आप बैटरी चार्जर इससे बना सकते हो, ठीक है। और इससे जो है बैटरी चार्जर बना तो सकते हो, बट जो है इसके अंदर ऑटो कट ऑफ का सर्किट लगाया, फीचर लगाया और इसके अंदर नहीं लगाया, ठीक है। तो ये जो है वोल्टेज को डाउन कर सकता है, ठीक है, और वोल्टेज और एम्पेयर को एडजस्ट कर सकता है, सेम ये भी कर सकता है। बट जो है अगर आप प्रॉपर वे से बैटरी चार्जर बनाना चाहते हो तो उसमें जो है कहीं ना कहीं ये जो है पीछे रह जाता है इस मॉड्यूल के कंपेरिजन में, ठीक है। तो मॉड्यूल दोनों ही बढ़िया है, कोई इसमें कमी नहीं है। और ये जो है इसका काम अलग अलग है। अगर आप सोलर पैनल से वोल्टेज को डाउन करना चाहते हो तो इससे आप कर सकते हो, ठीक है, कर तो इससे भी सकते हो, ठीक है, दोनों ही अपनी जगह पे बेस्ट हैं। दिक्कत ये आएगी कि ये 10 एम्पेयर का है, ठीक है, और ये 20 एम्पेयर का है, तो ये ज़्यादा कंपैटिबल है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड सोलर में क्या होता है कि वोल्टेज कम ज़्यादा आते रहते हैं, तो आप कोशिश ये करें कि आप ज़्यादा एम्पेयर वाला मॉड्यूल लगाओगे तो ख़राब नहीं होगा। दोस्तों दोनों मॉड्यूल की फुल टेस्टिंग की वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल दी है। अगर आप इस मॉड्यूल की टेस्टिंग देखना चाहते हो, इससे कोई प्रोजेक्टर देखना चाहते हो, आप देख सकते हो। इस मॉड्यूल की टेस्टिंग देखना चाहते हो तो भी आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हो। तो देख सकते हो दोनों ही मॉड्यूल अपनी जगह पर बेस्ट हैं और काम अलग अलग है। आपको देखना ये है कि कौन सी जगह पर आपको कौन सा मॉड्यूल लेना चाहिए। पहले आपको अपना काम डिसाइड करना है, फिर आप जो आप इस मॉड्यूल को बाय कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज की मैं बात करूं, तो इसमें कोई ख़ास एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि जो है दोनों मॉड्यूल को अलग अलग पर्पज़ से बनाया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो आई होप आप सभी को अंडरस्टैंड हुआ हो, कुछ सीखने को मिला हो। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।